हेलो फ्रेंड्स, मैं रतनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं 50 मार्क्स इंग्लिश के फर्स्ट पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और ये बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए ये वीडियो केंद्रित है। तो इस वीडियो के अंतर्गत द डेफोडिल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सीखिएगा द डेफोडिल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समय को बिना वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। द पोएम डेफोडिल्स इज कंपोज्ड बाय, कविता द डेफोडिल्स किसके द्वारा बनाई गई है या लिखी गई है। तो इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हु इज कंपेयर एज अ क्लाउड इन द पोएम द डेफोडिल्स, द डेफोडिल्स कविता में बादल की तुलना किससे की जाती है। तो इसका आंसर है द पोएट हिमसेल्फ, खुद कवि से। यहाँ पे कुछ लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर भी क्लिक करके आप अच्छी जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएम्स, रोमांटिक कविताओं का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। चौथा ऑब्जेक्टिव है व्हाट वाज द कलर ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स का रंग क्या था। तो इसका आंसर है गोल्डन। पांचवा ऑब्जेक्टिव है हु वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो हवा में लहरा रहे थे और नाच रहे थे वो क्या था। तो इसका आंसर है डेफोडिल्स। छठवां ऑब्जेक्टिव है द जो एंड डांसिंग ऑफ डेफोडिल्स हैज आउटडन द, इस ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ डेफोडिल्स का क्या आनंद और नृत्य को पार कर देता है। तो इसका आंसर है डांसिंग वेव्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं अभी अपने वेबसाइट पर ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ हूं, और वहीं से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने का एक कोशिश कर रहा हूं। सातवां ऑब्जेक्टिव है व्हेन एवर द पोएट वॉज इन वैकेंट ऑफेंसिव मूड, ब्यूटी ऑफ विच थिंक कास्टेड ऑन इन वर्ड आई, जब इस पाठ के कवि शांत और खाली अवस्था में होता था तो उसे किस चीज़ की सुंदरता की याद आने लगती थी। तो इसका आंसर है डेफोडिल्स। आठवां ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेफोडिल्स पोएम, डेफोडिल्स कविता किस प्रकार का कविता है। तो इसका आंसर है नेचुरल पोएम। फ्रेंड्स, मेरे इस ऑब्जेक्टिव आंसर के वीडियो में केवल मैंने क्वेश्चन और उसके हिंदी और उसके आंसर का ही चर्चा किया हूँ। मैंने चार ऑप्शन नहीं दिए हैं, अदर कोई चार ऑप्शन हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। नवा ऑब्जेक्टिव है व्हेन वाज बोर्न विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं 1770 में। आज के इस एपिसोड का अंतिम सवाल आपके सामने है, लेकिन उनसे पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और यदि आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज का अंतिम सवाल है व्हेन वॉज डाइड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर है 1850 में, यानी कि 1850 में। फ्रेंड्स, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का काफ़ी धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का काफ़ी धन्यवाद।
जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ। आप सभी का काफ़ी धन्यवाद।